नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड में चलने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, क्योंकि आपको सबको पता ही होगा कि बॉलीवुड में रोज़ किसी न किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें आती ही रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के टॉप 50 अफेयर्स के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं अमिताभ बच्चन और रेखा, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि यह बहुत ही पॉपुलर अफेयर था इंडस्ट्री का। रेखा शुरू से ही अमिताभ बच्चन को पसंद करती थी, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन ने रेखा को छोड़कर जया बच्चन के साथ शादी कर ली और उसके बाद इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। जब इस अफेयर की खबर जया बच्चन को हुई तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया। अफवाह तो यह भी थी कि अमिताभ बच्चन रेखा ने शादी कर ली थी और इन्होंने एक सीक्रेट सेरेमनी भी की थी मुंबई में, बट वाइफ जया बच्चन ने कभी भी इस रिलेशनशिप से गिव अप नहीं किया और आखिरकार यह रिलेशनशिप ख़त्म हो ही गया। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है, पॉपुलर अफेयर है मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी का। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने सीक्रेटली शादी कर ली थी, पर इन दोनों ने कभी भी पब्लिकली इस रिलेशन को एक्टिव नहीं किया। जब इस रिलेशन का पता मिथुन चक्रवर्ती की वाइफ योगिता को पता लगा तो योगिता ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और जिसकी वजह से मिथुन चक्रवर्ती डर गए और उन्होंने श्रीदेवी को छोड़ दिया, और श्रीदेवी ने पुलिस के डर से इस रिलेशन को भी वहीं ख़त्म कर लिया। उसके कुछ सालों बाद श्रीदेवी ने बोनी कपूर जी के साथ शादी कर ली। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं पुलकित सम्राट और यामी गौतम। पुलकित सम्राट शादीशुदा थे सलमान खान की मुंह बोली बहन श्वेता रोहिरा के साथ, जिसके साथ इनकी 2014 में शादी हुई थी। यामी गौतम ने अपनी डेब्यू फिल्म पुलकित के साथ ही की थी, वहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया, लेकिन इन्होंने कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। पर इस अफेयर की वजह से पुलकित की शादी टूट गई और श्वेता और पुलकित का डिवोर्स 2015 में हो गया। श्वेता ने डिवोर्स का जिम्मेदार यमी गौतम को ही ठहराया। इस लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी। आदित्य चोपड़ा एक फिल्म डायरेक्टर है जो कि यशराज फिल्म के मालिक हैं। आदित्य और रानी का अफेयर एक फिल्म के सेट के दौरान हुआ था। इसकी खबर जब उसकी वाइफ पायल को हुई तो उन्होंने बहुत आदित्य को समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य और रानी के एक दूसरे के प्यार में पागल थे। आदित्य रानी मुखर्जी को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, जिसके इफेक्ट यह पड़ा कि पायल खन्ना ने आदित्य चोपड़ा से डिवोर्स ले लिया, और डिवोर्स के बाद कुछ समय बाद आदित्य चोपड़ा ने रानी मुखर्जी के साथ शादी कर ली। अब यह दोनों हैप्पी मैरिड हैं और इनका एक बच्चा भी है। इस लिस्ट में अगला नंबर है कंगना रनावत और आदित्य पंचोली का। कंगना और आदित्य के अफेयर की वजह से आदित्य की वाइफ जरीना वाहब ने उनके साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया। उसकी वजह से आदित्य गुस्से में रहते थे और उधर वह कंगना के साथ भी गंदे तरीके से पेश आते थे। वह उसको कई बार मेंटली और फिजिकली टॉर्चर भी करते थे, जिसकी वजह से कंगना रनौत को छोड़ दिया, और आज के समय में कंगना रनौत भी कहती है इस लिस्ट में। अगला नंबर है मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का। मलाइका अरोड़ा अरबाज खान की वाइफ है, जो कि सलमान खान के छोटे भाई के वाइफ है। अरबाज खान का इटालियन मॉडल जजिया के साथ अफेयर होने की वजह से मलाइका और अरबाज ने काफ़ी लड़ाई हुई, और अर्जुन कपूर उनकी फैमिली फ्रेंड होने के नाते कई बार उनके घर आने जाने की वजह से उनके झगड़े भी हुए और उनका अफेयर शुरू हो गया, जिनकी वजह से अर्जुन कपूर ने एक मौका देखकर मलाइका अरोड़ा को प्रपोज कर दिया और मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर को हाँ बोल दिया। यह दोनों रिलेशनशिप में आ गए। जब इसका पता अरबाज खान को चला तो इन दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। शादी को बचाने के लिए सलमान खान ने भी काफ़ी कोशिश की। उन्होंने अरबाज खान और मलाइका दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गई और अंत में मलाइका ने अरबाज से डिवोर्स लेकर अर्जुन के साथ रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है आमिर खान और किरण राव। आमिर खान रीमा दत्ता के हस्बैंड थे। इनकी मुलाकात किरण राव के साथ एक फिल्म सेट पर हुई।
आमिर खान का अफेयर किरण राव के साथ शुरू हुआ तो उनकी वाइफ ने आमिर खान को तलाक दे दिया। उसके बाद आमिर खान ने किरण राव के साथ अपने रिलेशनशिप को ओपन कर दिया और 2005 में आमिर खान ने किरण के साथ शादी कर ली और 2005 में आमिर खान ने किरण राव के साथ शादी कर ली। 15 साल बाद 2021 में आमिर खान को किरण राव का भी डिवोर्स हो गया। अभी आमिर खान एक नए रिलेशनशिप में है। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा का। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा अफेयर शुरू होने के बाद इसकी खबर शाहरुख खान की वाइफ गौरी को हुई तो शाहरुख खान को धमकी दी कि अगर वह दोबारा प्रियंका से दिखे तो उनके डिवोर्स ले लेगी और उनके बच्चों को साथ ले जाएगी, जिसकी वजह से शाहरुख खान और उसके बाद कभी भी प्रियंका चोपड़ा के साथ मूवी में नज़र भी नहीं आए। गौरी खान ने प्रियंका चोपड़ा को शाहरुख खान के फ्रेंड सर्कल से भी कट आउट कर दिया। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है सैफ अली खान और इटालियन मॉडल रोजा कैटलोना का शेफ। इस लिस्ट की शादी ऑलरेडी अमृता सिंह से हो चुकी थी और फिर भी उसके बाद इन्होंने अफेयर शुरू किया और उसके बाद इन्होंने करीना कपूर से शादी कर ली। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक बार शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।